All of you, today I am going to teach you the 24th chapter of EVS, that is good habits. All of you know that what is the meaning of good habits. Good habits kisko bolte hain? Good habits achhi aadaton ko hum log bolte hain. To good habits, it is very important to follow good habits every day. और ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए कि हम लोग रोज़ गुड हैबिट्स फॉलो करें. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को क्या क्या गुड हैबिट्स रोज़ फॉलो करना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन वेक अप अर्ली. हम लोग को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये हम लोग का सबसे पहला गुड हैबिट होता है जिससे हम लोग के दिन का शुरुआत होगा. अगर हम लोग जल्दी नहीं उठते हैं तो हम लोग का पूरा दिन ख़राब होता है. हम लोग को जल्दी उठना चाहिए सुबह. ठीक है, नेक्स्ट गुड हैबिट इट इज़ ब्रश योर टीथ. नेक्स्ट हम लोग का ये गुड हैबिट, दूसरा गुड हैबिट ये है कि हम लोग को रोज़ ब्रश करना चाहिए. ठीक है, दो टाइम करना चाहिए, सोने से पहले और सो के उठने के बाद, सुबह सो के उठने के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट गुड हैबिट है टेक अ बाथ, नहाना. हम लोग को रोज़ नहाना चाहिए ताकि हम लोग जर्म्स फ्री रह सकें, हम लोग फ्रेश फील करें. ठीक है, तो हम लोग को नहाना बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग नहाएंगे नहीं तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, जर्म्स बैक्टीरिया हो जाएंगे. ठीक है, अर्ली टू बेड भी फोर्थ गुड हैबिट है कि हम लोग को जल्दी सोना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी उठ पाएँ. ठीक है, नेक्स्ट है हैव मील ऑन टाइम, मीन्स हम लोग को खाना, नाश्ता जो भी है, डिनर, नाश्ता, लंच जो भी है, हम लोग को हमेशा टाइम पर खाना चाहिए ताकि हम लोग को कोई हेल्थ पे असर ना पड़े. अगर हम लोग खाना टाइम पे नहीं खाएंगे तो हम लोग फिट नहीं रहेंगे. ड्रिंकिंग मिल्क, और ये सिक्स्थ है कि हम लोग को रोज़ दूध पीना चाहिए. दूध पीने से हम लोग का बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग का माइंड अच्छा काम करता है, हम लोग का बॉडी फिट रहता है. ठीक है, वेयर क्लीन क्लोथ्स, हम लोग को हमेशा साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए. अगर हम लोग साफ़ सुथरा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो जर्म्स बैक्टीरिया आ जाएंगे कपड़ों में और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे. ठीक है, इसलिए हम लोग को रोज़ साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छा से धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए. कटिंग नेल्स शॉर्ट, मीन्स हम लोग को अपना नाखून हमेशा रेगुलर चेक करना चाहिए. अगर वो लंबे हो गए तो उसको काट के छोटे करना चाहिए. अगर नाखून नहीं काटते हैं, लंबे नाखून रखते हैं तो उसमें गंदा हो जाता है और गंदगी से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि उसी हाथ से हम लोग खाना भी खाते हैं. कॉम योर हेयर, हम लोग का रोज़ हेयर कॉम करना चाहिए, मीन्स बाल को झड़ना चाहिए. अगर हम लोग कॉम नहीं करेंगे तो हम लोग के बाल डैमेज हो जाएंगे, उसमें जर्म्स आ जाएंगे और हम लोग बीमार पड़ सकते हैं. इसीलिए ये सारे गुड हैबिट्स हम लोग को फॉलो करने ज़रूरी है ताकि हम लोग डिजीज़ फ्री रहें, मीन्स हम लोग बीमारी से दूर रहें, साफ रह सुथरे रहें, फिट रहें हमेशा. इसीलिए हम लोग को ये गुड हैबिट्स हमेशा फॉलो करने चाहिए. सो दिस मच इज़ गिवन इन दिस चैप्टर अबाउट द गुड हैबिट्स. सो ऑल ऑफ यू विल फॉलो दिस गुड हैबिट्स एट योर होम. Understood? And all of you will learn these good habits. So let's move to the exercise of this chapter. How many times do you brush your teeth in a day? आप एक दिन में कितने बार ब्रश करते हैं? तो दो बार करने चाहिए तो हम लोग टू में टिक लगाएंगे. Is drinking milk a good habit? क्या drinking milk good habit? अभी हम पढ़ा है कि milk पीना चाहिए good habit होता है, तो yes. When do you go to bed? कितने आप कब बेड में जाते हैं? लेट जाते हैं कि अर्ली जाते हैं? तो मैं तो अर्ली मतलब जल्दी जाती हूँ, आप भी जल्दी जाते होंगे तो अर्ली मीन्स पहले जाते हैं, लेट से नहीं. ठीक है, तो ये सब गुड हैबिट्स है जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग फिट एंड फाइन रह सकते हैं. ओके, ऑल ऑफ यू विल लर्न दिस गुड हैबिट्स, ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू.